नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जो जांच चल रही है उसमें आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और लगातार आप देख रहे हो कि एसओजी कार्रवाई कर रही है। अभी एसओजी ने कल एक पुष्टि करी थी कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर का जो पेपर लीक है, उन्होंने बताया कि रविंदर बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो जयपुर में हसनपुरा में स्थित है वहां से लीक हुआ है। और इस पेपर लीक होने के पीछे जो लोग थे, जगदीश बिश्नोई, यूनिक भांबू, राजेंद्र यादव, इन सब ने मिलके स्कूल को मैनेज किया और उस स्कूल से पेपर लीक करवाया। वहां का स्टाफ, वहां के प्रिंसिपल, सारे लोग मिलके पेपर लीक कर रहे थे और इस स्कूल से पिछले 7 सालों से लगातार यही काम हो रहा है। आप अनुमान लगाइए कि राजस्थान में 7 साल में कितनी एग्जामों के सेंटर इस स्कूल में आए होंगे और कितने पेपर इस स्कूल से लीक हुए होंगे। यानी युवाओं का भविष्य बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। ना जाने ऐसी राजस्थान में कितनी स्कूलें हैं, लेकिन जब ये सरकार के सामने आ गया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, जो ये स्कूल का मालिक है उसकी प्रॉपर्टी पर भी बिल्डोजर चले और जो ये स्कूल है रविंद्र बाल भारती स्कूल, 2 दिन हो गए पुष्टि हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं इस पे हुई है। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान के बेरोजगार युवा आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस स्कूल को तोड़ा जाए, इस पे बिल्डोजर चलाया जाए। जो स्कूल का मालिक युवाओं के सपनों का बेचने का काम कर रहा है, ऐसी स्कूल को आप ध्वस्त करिए। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब पेपर 2 दिन से उस स्कूल से निकाला गया है सब इंस्पेक्टर भर्ती का, तो इसका कोई पैमाना बचा नहीं कितने बड़े लेवल पे वायरल हुआ है, कितने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है। अब आप सबके सामने है, अभी तो 15 लोगों को आरपी ट्रेनिंग से आपकी सरकार ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी 200-300 लोग इसमें तो ऐसे हैं जिनके पूरे एविडेंस एसओजी के हाथ में है, उन पे भी कार्रवाई आप करवाओगे। लेकिन हमारा ये निवेदन है, जब इतने बड़े लेवल पे भर्ती में स्कैम है तो इस भर्ती परीक्षा पर आप विचार करिए, जिससे छात्रों को न्याय मिल सके, क्योंकि ये पूरी भर्ती अब कठघरे में खड़ी है। क्योंकि भर्ती पे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है वो बड़े लेवल पर हुआ है और एक परिवार से सारे लोग थानेदार बन गए, एक डीसीपी का लड़का थानेदार बन गया, एक कम्युनिटी के सारे लोग थानेदार बन गए। तो जो ये जादू राजस्थान में हुआ है इसको आप रोकने का काम करिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ एसओजी से भी, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको युवाओं की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन पटवारी, राजेंद्र यादव जैसे लोग जो कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने तमाम एग्जामों में भी पेपर लीक करवाए, कनिष्ठ अभियंता भर्ती में इन लोगों को पकड़ा गया और अभी तक कनिष्ठ अभियंता भर्ती जयन भर्ती में किसी भी व्यक्ति को नहीं उठाया गया है, पटवारी भर्ती में किसी भी व्यक्ति को नहीं उठाया गया है, लाइब्रेरियन भर्ती में किसी भी व्यक्ति को नहीं उठाया गया है। तो आप और तमाम भर्तियों की भी जांच करिए, जिससे राजस्थान की सभी जो भर्तियों में लोग पेपर लेके लगे हैं उनको बर्खास्त किया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, उन पर भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अभी तक कार्रवाई आप एक भर्ती पे कर रहे हो, बाकी भर्तियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे राजस्थान के युवाओं को न्याय मिल सके। और मैं राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में आपको मजबूती से साथ देना पड़ेगा। साथियों, राजस्थान का बेरोजगार युवा बहुत परेशान है, अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो ये मान के चलना कि आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। जल्द ही पूरी रणनीति बना के आगे क्या करना है, कैसे जांच हो, कैसे काम हो, और इन चीजों को लेके हम काम कर रहे हैं। आपको साथियों, मैं मेरा मोबाइल नंबर इसमें दे रहा हूँ, 98 87 29 49 29 मेरा मोबाइल नंबर है। आप जो भी आपके पास में कोई सूचना है मुझे बताइए और आप मेरे साथ जुड़ के हम जल्दी इस पूरे मामले पर कोशिश करेंगे कि सरकार को मजबूती से घेरे और सरकार एक्शन ले, जिससे इतना बड़ा घोटाला है जो सबके सामने आए और सरकार इस भर्ती पे कोई निर्णय ले, क्योंकि ये भर्ती अब कठघरे में खड़ी हो चुकी है, तो इस पर निर्णय होना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, आप लोग सब जुड़ जाइए और जल्दी पूरी रणनीति के साथ में कोशिश करेंगे कि इन चीजों को बड़े लेवल पे ले जाया जाए, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ाया जाए और राजस्थान में आने वाले समय में ये पेपर लीक बंद हो सके और आप सबका भविष्य
सुरक्षित हो सके। अगर पेपर लीक बंद नहीं होंगे तो साथियों आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इस लड़ाई में आप साथ दीजिए जिससे इस लड़ाई को हम जीत सके और तमाम भर्तियों की जांच हो सके, क्योंकि सारी भर्तियों में पेपर लीक के जैसी चीजें आपके सामने हैं। तो साथियों इस लड़ाई को हमें लड़ना है, आप जुड़कर साथ दीजिए। धन्यवाद।